नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए आपका जो सेक्शन बी है, जिसमें आपके इंडियन जीके और आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां पर हम भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। और हमने एक लास्ट में आपको एक क्वेश्चन छोड़ा है, जरूर उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएं कि आपके उसका आंसर क्या होगा। और इन वीडियोज के अंदर हमने जो इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपका, मातृकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। देखिए, मातृकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति, वो एसआई पद्धति बोलते हैं हम जिसको। ये तीन प्रकार की होती है, एक होती है आपकी सीजीएस, एक होती है आपकी एमकेएस और एक होती है आपकी एफपीएस। ये पद्धति है, इसमें आपकी सीजीएस और एमकेएस और ये एफपीएस की फुल फॉर्म होती है। सीजीएस का मतलब है आपका सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब आपका सेकंड, एमकेएस का मतलब मीटर, के का मतलब किग्राम और एस का मतलब सेकंड, और एफपीएस का मतलब होता है आपका फुट, पाउंड और सेकंड। ये होता है, ये पद्धति जो है लागू की गई थी 1971 में। तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1971। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, न्यूटन की गति का जो सेकंड नियम है, वो सेकंड नियम है ये है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर और उस पर लगने वाले, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले, वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, हम ये कह सकते हैं। तो समानुपाती होती है तो एफ प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी, हमने लिख दिया इसको। तो एफ बराबर हम ये लिख सकते हैं, पी का मतलब क्या होता है, एम बी होता है, तो एम बी लिखा जा सकता है और ये टी लिखा जा सकता है। बी और टी क्या हो गया आपका, एफ बराबर क्या हो गया, बी अपॉन टी होता है आपका ए के, त्वरण के बराबर। तो एफ बराबर क्या हो गया, ये एम ए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बल की परिभाषा को, बल को परिभाषित करती है, बल की परिभाषा बताती है। तो सेकंड जो नियम है वो एफ बराबर एम ए बता रहा है, तो इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न, जब किसी द्रव की एक किग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से बाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं। देखिए, जब एक किग्रा द्रव हो कोई और उसके क्वथनांक पर द्रव को बाष्प में परिवर्तित हो जाए तो वो जो कहलाती है, वो ऊर्जा कहलाती है आपकी, बाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य, यानी कि हिम मतलब बर्फ, सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है। देखिए, सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ नहीं पिघलती है पर्वतों पर, जब पर्वतों पर आच्छादित जो बर्फ होती है वो एक साथ नहीं पिघलती है, उसका कारण है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो बर्फ होती है वो बर्फ क्या है, ऊष्मा को, अधिकांश ऊष्मा को क्या कर देती है, वो परावर्तित कर देती है। तो अधिकांश ऊष्मा परावर्तित हो जाती है तो इतना वो गर्म एरिया हो नहीं पाता, तो इस वजह से वो बर्फ एक साथ नहीं पिघल पाती है। तो इसका आंसर जो है, सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, डेसिबल होता है, देखिए डेसिबल जो है ये आपका ध्वनि की, आपको ध्वनि के मापने की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता को, ठीक है, डेसिबल, जिसको हम डीबी बोलते हैं, डीबी। अब ये डेसिबल जो है ये लघुगणकीय है, लघुगणकीय इकाई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लघुगणकीय इकाई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि के स्तर का मापन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक युवा पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय हो क्यों लगती है। देखिए, युवा पुरुष की आपने आवाज देखी होगी, युवा पुरुष की आवाज भारी होती है, ठीक है, और छोटे बच्चे की आवाज जो होती है वो थोड़ी सी पैनी होती है, ठीक है। लेकिन आपका ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे की जो आवाज है उसका तारत्व जो होता है वो पुरुष की आवाज की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। देखिए, जिनकी आवाज का तारत्व, जिनकी वॉइस का तारत्व जो होता है वो अगर कम हो या अधिक हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर आवाज का तारत्व जो है वो अधिक होगा तो आवाज क्या होगी, पतली होगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर आवाज, जैसे लेडीज की अगर बात करें, वुमेन्स के बारे में बात करें, औरतों की जो आवाज होती है वो थोड़ी पैनी होती है तो उसमें तारत्व ज्यादा होता है, जबकि आवाज जो पुरुष की जो आवाज है उसकी आवाज में तारत्व कम होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे की आवाज हमें क्यों प्रिय लगती है, क्योंकि बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व से आपका क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, आप अधिक होने की वजह से आवाज थोड़ी पैनी हो जाती है, आपको ये याद रखना है शॉर्ट में आपको, और इसकी वजह से हमें वो मधुर स्वर, मधुर ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। देखिए, श्वेत प्रकाश जो आपने जैसे ट्यूबलाइट देखी होगी, ट्यूबलाइट के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर एक नली मान लेते हैं हम, ठीक है, और ये नली है उसमें जो आर्गन गैस भरी हुई है,
ठीक, आर्गन गैस भरी हुई है और पारे की बाष्प भरी हुई है, ठीक, पारे की बाष्प। अब जब हम जो उसमें क्या होता है कि विद्युत विसर्जन प्रारंभ करने के लिए इसमें क्या होता है, पारे की बाष्प में अब विद्युत विसर्जन प्रारंभ करना हो तो उसके लिए हमें क्या होता है कि दोनों जो तंतु हैं लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, गर्म होने चाहिए, और जो गर्म होंगे तो उसकी वजह से उनका क्या होगा, वो तंतु काफी गर्म हो चुके होंगे तो इस वजह से वो क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश जनरेट करेंगे, किसके अंदर से, नली के अंदर। तो इसका आंसर जाएगा तंतु को गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, श्वेत प्रकाश को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमें सूर्य कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है, तो सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही दिखाने लग जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, प्रकाश का जो पथ होता है वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है शुष्क शैल है। देखिए शुष्क शैल, शुष्क शैल जो होता है वो प्राथमिक शैल कहलाते हैं, ठीक, प्राथमिक शैल होता है शुष्क शैल, और इसमें क्या, ये क्या होता है, विद्युत रासायनिक शैल होते हैं ये शुष्क शैल जो होते हैं, जो कि कम बिजली के जो उपकरण होते हैं, जैसे आपका घड़ी हो गई, ठीक है, आपकी जैसे विद्युत जो कम बिजली से चलने वाली जो आपकी क्या हो, जो उपकरण हो, उनके अंदर हम शुष्क शैल का यूज करते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, वैद्युत अपवर्तन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए फैराडे का जो विद्युत अपघटन संबंधी जो प्रथम नियम है, विद्युत अपघटन संबंधी जो प्रथम नियम है वो कहता है W प्रोपोर्शनल टू क्यू। W का मतलब है आपका पदार्थ की मात्रा, रॉड पर लगे हुए पदार्थ की मात्रा, Q का मतलब होता है आवेश की मात्रा, ठीक है। अब Q को हम ऐसे बता सकते हैं, Q का बराबर I प्रोपोर्शनल टी, I इंटू टी कर सकते हैं, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, I का मतलब है धारा और T का मतलब है समय, ठीक है। तो W बराबर हम क्या कर सकते हैं, W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी कर सकते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, Z यहां पर हमने ले लिया, ये एक स्थिरांक ले लिया हमने, और आई टी इसको हमने कर दिया, तो ये हो गया जेड, ये क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। ये क्या है, फैराडे का विद्युत अपवर्तन संबंधी प्रथम नियम है, W बराबर जेड आई टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, ये चीज है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है, वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। देखिए मुक्त रूप से अगर कोई आपने चुंबकीय सुई, मतलब आप जैसे आप कंपास देखा होगा, तो कंपास में वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ सुई रहती है, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ सुई दिखाती है, जो आपका क्या होगा, उत्तर की तरफ एक सुई होती है और ये दक्षिण की तरफ, तो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ टिकती है सुई, ठीक है। एक सिरा उसका नॉर्थ पोल को बताता है और एक सिरा क्या बताता है, साउथ पोल को बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। देखिए स्थिर चुंबक उत्तर उत्तर दिशा दिखाती है और दक्षिण दक्षिण दिशा दिखाती है, ये एक स्थिर चुंबक हमेशा इस चीज को दिखाती है, तो आपको याद रखना उत्तर उत्तर दिशा दिखाती है और दक्षिण दक्षिण दिशा में दिखाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। देखिए परमाणु बम के अंदर अगर बात करें तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, परमाणु बम के अंदर। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई परमाणु किसी का जो कोई भारी नाभिक हो, ठीक है, भारी नाभिक हो और वो नाभिक क्या हो, दो या दो से अधिक छोटे भागों में टूटे, तो उससे जो उत्पन्न होती है, जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो परमाणु बम में यही कार्य किया जाता है, नाभिकीय विखंडन होता है यहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में नाभिक क्या है, दो परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो नाभिक का जो भार होता है, तो उसके भार में कमी की वजह से बहुत ज्यादा ऊर्जा क्या होती है, जनरेट होती है, तो नाभिकीय संलयन वो चीज होती है। यहां पर नाभिकीय विखंडन होगा परमाणु बम में, क्योंकि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा प्राप्त रेडियो सक्रिय समस्थानों का प्रयोग होता है। देखिए रेडियो सक्रियता के बारे में बात करें तो रेडियो सक्रियता किसने खोजी थी, रेडियो सक्रियता खोजी थी हेनरी बेकरेल ने, हेनरी बेकरेल ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कब खोजी थी, 1896। उसके बाद में 1898 में मैडम क्यूरी और पीआरए,
पियरे कुरी, ये हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों ने इसके ऊपर शोध किए थे, ठीक है। अब ना रेडियो सभ्यता क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है जिसमें नाभिक क्या है स्वतः ही विखंडित होता रहता है, ठीक है, अन्य तत्वों के रूप में परमाणु में परिवर्तित होता रहता है, वो एक तो प्राकृतिक होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कृत्रिम, देखिए प्राकृतिक जो होती है वो होती है जैसे यूरेनियम में होती है, रेडियम में होती है, ठीक है। और कृत्रिम के बारे में बात करें तो कृत्रिम रेडियो जो रेडियो सक्रियता करते हैं वो क्या होता है, तत्वों किसी ज्ञात तत्व, कोई तत्व हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं तत्व कोई ज्ञात तत्व हो, उसके ज्ञात तत्व के रेडियो संस्थानकों में उसको बनाया जाए, ठीक है, बदला जाए, तो हम उसको कहते हैं कृत्रिम रेडियो सक्रियता। अब रेडियो सक्रियता का यहाँ पर प्रयोग पूछ रहा है, रेडियो सक्रियता का प्रयोग देखिए नाभिकीय खोजों में भी होता है, कृषि में भी होता है, और रोगों के उपचार में भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है भारी जल किसका ऑक्साइड है। देखिए भारी जल के बारे में बात करें, भारी जल जो है ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है, D2O बोलते हैं, ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम क्या है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, आपको ये याद रखना, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, और ये आइसोटोप कह सकते हैं हम इसको, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है। इसमें दो, ये जो समस्थानिक है इसके अंदर इसका द्रव्यमान की बात करें, ड्यूटेरियम के द्रव्यमान जो होता है वो 2.013 इस तरीके से चलता है इसका, और इसके नाभिक में, ठीक है, आपको याद रखना है नाभिक में एक तो प्रोटॉन होगा और उसके अलावा क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, देखिए इसमें, और इसका जो जल जो हाइड्रोजन है उसका एक समस्थानिक होता है ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम भी होता है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं मैं। ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ठीक है, और इसमें प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन क्या होते हैं दो होते हैं इसके अंदर, आप याद रखिएगा, इसमें न्यूट्रॉन जो होता है दो होता है और प्रोटॉन कितने होते हैं एक होते हैं, ये भी हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारी जल किसका ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, आइसोटोप कह सकते हो आप हाइड्रोजन का, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है, और इसके हाइड्रोजन का एक समस्थानिक और आपको बताया मैंने ट्राइटियम, जो कि P1 आपका, इसके अंदर क्या होता है प्रोटॉन एक होता है न्यूट्रॉन दो होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है भारी जल किसका समस्थानिक है, किसका ऑक्साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ड्यूटेरियम का। अगला प्रश्न देखिए हमने आपके लिए छोड़ा है, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका आंसर आपको हमें बताना है। इसके चार ऑप्शन हमने आपको दिए हुए हैं, आप इसको देखें और इसको आंसर जरूर हमें बताएं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।